और इसी बीच एक बड़ी खबर, राजसमंद विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सांसद दिया कुमारी पहुंची राजनगर थाने पर, पुलिस कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर यहां थाने पर आई, जिसकी सूचना पर सांसद दिया कुमारी यहां थाने पर पहुंची। भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, मदन दिलावर भी यहाँ मौजूद है। वही कांग्रेस कार्यकर्ता भी थाने पर पहुंचे हैं। इस बीच गहमा गहमी का माहौल बना राजनगर थाने पर। अतिरिक्त जाब्ता मौके पर थाने पर बुलाना पड़ा और कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टी पर पैसे बांटने का आरोप लगा है, जिसको लेकर थाने पर अब माहौल गरमाया हुआ है। सूचना के बाद जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, एसपी भुवन भूषण यादव भी यहां राजनगर थाने पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से माहौल यहां गरमा गया। सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ये पूरा मामला क्या था, समझना चाहेंगे आपसे, आखिर किस वजह से यहाँ सांसद दिया कुमारी पहुंची और किस वजह से दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और हंगामा किया जा रहा है? जी ज्योति, मैं आपको बता दूं, ये एक मामला एक पैसे बांटने को लेकर एक राजनीति पार्टी पर आरोप लग रहा था कि उसके कार्यकर्ता पैसे बांट रहे थे। जो मुद्दा कि थाने पर पहुंचा, थाने पर इस तरह पहुंचा कि थाने पर अखाड़ा बन गया है। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने है, बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी मौके पर है, एसपी कलेक्टर अंदर चैम्बर में बैठे हुए हैं और सांसद दिया कुमारी, मदन दिलावर और कांग्रेस के नेता देवकी नंदन गुजरी सब के सब चैम्बर में है और एक घंटे से वार्ता का दौर जारी है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। आशीष, ये आरोप कौन सी पार्टी पे लगा है, पैसे बांटने का आरोप किस पार्टी पे लगा है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया है, बीजेपी ने सत्ता जो पक्ष है कांग्रेस पर लगाया है, जिसको लेकर ये पूरा मामला गरमाया है। थाने पर बहुत ज्यादा संख्या में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद है। ऐसे में लगातार एक घंटे से अधिकारियों और सांसद दिया कुमारी और कांग्रेस नेताओं के बीच वार्ता का दौर जारी है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। जी आशीष, इस पूरे मामले में अब तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी सामने आई है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर, और देखिए तस्वीरों में कहीं न कहीं कोरोना की धज्जियां भी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हम इतने दावे करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह से ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आप बता दूं, थाने जिस तरह से माहौल है, ना तो कोई अधिकारी इस पे बोलने को तैयार है। अभी एक घंटे से चैम्बर में बैठे हुए हैं, वार्ता कर रहे हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं। हालांकि मसला सुधरने जैसा है कि नहीं, वार्ता का दौर जारी है, लेकिन आराम से सब अधिकारी बैठे हुए हैं, सांसद बैठे हुए हैं और बाहर जो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक आमने सामने नारेबाजी कर रहे हैं। हो सकता है आमने सामने जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, हो सकते हैं आपस में टकरा ना जाए, ऐसी स्थिति। आशीष, इस पूरे मामले में भाजपा तो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कल चुनाव होने हैं, अब तो कुछ ही समय बचा है, सुबह कल चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, उनका क्या बचाव करना है? देखिए, आप प्रशासन की बात करें, भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तीन ही एक ही टेबल पे बैठे हुए, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जिस तरह जिसके चलते करीब एक से दो घंटे से ये मामला गरमाया हुआ थाने पर, और थाना जिस तरह से अखाड़ा बना हुआ राजनीति का, ये देखने वाली बात है। जी जी आशीष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांसद दिया कुमारी राजनगर थाने पर पहुंची, ये हंगामे की तस्वीरें आपके सामने, और आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर और पैसे बांटने का आरोप लगाया जा रहा है, और ये हंगामे की तस्वीरें आपके सामने, कल चुनाव होने हैं और इस बीच ये हंगामे की तस्वीरें।